वेलकम गाइस। सो इट इज़ आवर फिफ्थ पार्ट फॉर जर्नल। इन दिस वीडियो वी टेक लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू नो हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और यू ऑल्सो से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाउ बिफोर वी स्टार्टेड any kind of transaction, first we take a concept of cash and credit transaction. How you know any transaction is cash or credit? It's a concept समझ लो कि कोई transaction cash कैसे है, कोई transaction credit कैसे है। When in any transaction, if the cash word is used, what used बेटा? अगर कैश वर्ड आ गया तो समझ लो वो ट्रांजेक्शन कैसा है बेटा, कैश है। ठीक है, अगर बेटा क्रेडिट वर्ड आ गया तो समझ लो वो क्या है बेटा, वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या है बेटा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, व्हेन नो नेम यूज्ड इन एनी ट्रांजेक्शन, जब कोई नेम ना यूज हो किसी भी ट्रांजेक्शन में। जैसे नेम में क्या, किसी पर्सन का नेम, किसी कंपनी का नेम। अगर ऐसा कोई नेम नहीं यूज्ड है किसी भी ट्रांजैक्शन में, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख, गुड्स परचेज हुआ 1 लाख का, कोई नेम है, कहीं कैश वर्ड है नहीं, लेकिन ये सेंस देता है कि दिस मीन्स दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेम यूज्ड without cash word. If in our transaction no use the word of cash but using the word of any name, like goods purchased from Ram for rupees 1 lakh, in this transaction we use a name Ram, that's when we purchase goods from Ram, but कैश वर्ड नहीं यूज है, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो तुमने कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। अब द बेसिक डिफरेंस इज, व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज अ कैश ट्रांजेक्शन, द कैश अकाउंट मस्ट बी यूज इन दैट जर्नल एंट्री। अगर कैश वर्ड आया है या कैश ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन की जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब उसको जर्नलाइज करेंगे, तब कैश अकाउंट मस्ट बी यूज्ड इन जर्नल एंट्री। एंड व्हेन वी टेक एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू पास इन अ जर्नल एंट्री, देयर मस्ट बी अ नेम पास्ड इन जर्नल एंट्री। तब वहां पे हम जर्नल एंट्री पास करते टाइम किसी नेम को यूज करेंगे अकाउंट्स में। क्लियर का कॉन्सेप्ट बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना इसको प्रिपेयर करोगे माइंड में, जितना इसको रखोगे उतना इजी होगा तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना। नाउ लेट्स टेक सम ट्रांजेक्शन। इन आवर लास्ट क्लास वी जस्ट सी ओनली वन ट्रांजेक्शन, व्हाट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख, याद आ रहा है? उसमें भी कैश वर्ड था और कैश अकाउंट आया था, याद कर लो। अच्छा, एक तुम लोग को फंडा भी दिया था मैंने, याद होगा वो फंडा कौन सा था, ये वाला फंडा याद करो कि अगर कभी कोई असेट हो, कोई एक्सपेंस हो, कोई भी लॉस हो या कोई भी ड्रॉइंग हो, तो ये जब भी इंक्रीज होते हैं हम इन्हें डेबिट करते हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करते हैं। नाउ द सिमिलर कॉन्सेप्ट विद द, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, इनकम, गेन और कैपिटल, when it is increases we take it into credit side, when it is decreases we take it into debit side. Is it clear? ये concept बताया था, short trick थी, मैंने ये बताया तुम लोगों को, ये समझाया। Now we take transactions to solve it. Okay, let's write it. goods purchased for cash rupees 1 lakh, 1 lakh नहीं, 50,000 लेते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 50,000। नाउ वी परचेज गुड्स, ओके,
In a business, when we purchase goods, cash is what? Cash is going. Yes or no? भाई अगर हम purchase करेंगे तो cash pay करेंगे. Okay. Cash जाएगा और क्या आएगा बेटा हमारे पास? Goods आएगा. क्या आएगा? Goods. And that is goods purchased. So now, purchase account debit to cash account. How it is passed? कैसे पास हुआ? Simple, simple sir. Now let's see here. Goods जो हम purchase कर रहे हैं business में कम सीन हो रहा है, आ रहा है. तो business में goods अगर आ रहा है तो हमारा वो जो goods है वो क्या होगा? Increase होगा. और goods वाले क्या है? Asset है. If the goods is increases, it will be debited. Now purchase account debit. And next thing. कैश goes out. बिजनेस से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है. इट मीन्स कैश अगर हम किसी और को दे रहे हैं तो हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा. नाउ कैश क्या होता है? वो भी एसेट है. वो भी क्या बेटा? एसेट है. एंड व्हेन इट इज डिक्रीज्ड इट कम्स अंडर क्रेडिट. सो टू कैश अकाउंट. नाउ नरेशन इज व्हाट? बीइंग गुड्स परचेज्ड for cash. Okay, now debit side wala debit mein likhenge 50,000, credit side wala credit mein 50,000. Concept clear ho gaya? Ye tha apna funda. Ye to humne cash transaction dekha kis pe? Purchase case mein. Ab hum purchase case mein credit transaction dekhte hain. Okay, now write down this transaction. Goods purchased from Mohan. Goods purchased from Mohan ₹30,000. ₹30,000. Worth ₹30,000 लिख सकते हो. Okay. In this case, we again purchase the goods. So it means goods comes in business. Goods increase करेगा. Increase करे तो obvious ही बात है. फिर से क्या हो गया बेटा? हमारा case कहता है कि फिर से हमारा asset increase कर रहा है. फिर से असेट इंक्रीज किया. वो गुड्स जो हम परचेज करते हैं उसके लिए हम क्या राइट ऑन करेंगे बेटा? परचेज अकाउंट ही. क्या राइट ऑन करेंगे बेटा? परचेज अकाउंट. सो नाउ परचेज अकाउंट डेबिट. नाउ इफ द कैश गोज आउट वी राइट हियर टू कैश. बट इन दैट केस दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. उधार खरीदा है, क्रेडिट है. सो वॉट वेन वी सॉ एनी काइंड ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी यूज द नेम एज आई सॉ अर्लियर. Or we told earlier. So now to Mohan. In that case, who is Mohan? Mohan is a giver who gives the goods. And if Mohan is giver, you know your concept or your golden rules of personal account. Debit is the receiver, credit is the giver. And Mohan is the giver. So now Mohan is in a credit side. डेबिट साइड में डेबिट वाला अमाउंट 30,000, क्रेडिट साइड में क्रेडिट वाला अमाउंट 30,000. नाउ पास नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट या फ्रॉम मोहन. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू मे राइट इट. इज इट क्लियर? ओके बेटा लो. So now, this one is a cash transaction, this one is a credit transaction. Now we again see a cash and credit transaction regarding sales. अब तक खरीद रहे थे ना, अब बेचेंगे. इसके regarding आप देखेंगे cash और credit transaction. So the next transaction, write it. Goods sold. For cash, rupees. Goods sold for cash, rupees. 120,000. 120,000. So now, see, when we sold goods, हमें क्या receive हो रहा है? Cash transaction हमें cash receive हो रहा है. Cash जो है asset है. अब बेटा हमें cash receive होगा, हमारा cash क्या होगा? इंक्रीज करेगा. असेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट. सो नाउ सिंपली वी डेबिट इट हियर
cash account. We sold the goods. So what goes out? Goods. Goods गया. Goods जब sold करेंगे तो account क्या use होगा बेटा? Simple है. भाई हमारा goods क्या होगा? Decrease होगा. Decrease होगा तो हम credit करेंगे ना? Yes. So now to sales account. To sales account being goods sold for cash. It is a cash transaction, so used here a cash part. Now 120,000 debit side, 120,000 for credit side. Now we also seen here a credit transaction regarding sales. So note down the transaction. Okay, goods sold to Jyoti. Goods sold to Jyoti worth rupees 30,000. गुड्स सोल्ड टू ज्योति वर्थ रुपीज 30,000. अब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है या नहीं, इसमें नेम आया और कहीं कैश वर्ड नहीं है, तो क्रेडिट है ना. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली कैश तो रिसीव हुआ नहीं, इस बार क्या है, कैश नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नेम यूज होगा कैश के प्लेस पे. अब सुनो, ज्योति डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ज्योति में अकाउंट क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज ज्योति इज अ नेम, एंड व्हेन वी यूज अकाउंट इन अ नेम वी मस्ट यूज एपोस्ट्रॉफी एस. इफ यू वॉन्ट डोंट यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी देन इट मीन्स डोंट यूज अकाउंट. इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट द नरेशन बीइंग गुड्स sold to Jyoti. It's worth rupees 30,000. So debit side में debit वाला amount, credit side में credit वाला amount. Okay, now suppose page हमारा fill हो गया भाई, अब तो ये page complete. Next page पे जाएंगे अब बेटा. यहीं पे concept समझ लो. जब हम next page पे जाएंगे तो accounts हमें कहता है कि when we go for a next page, we must transfer our balances also to next page. So in that case, we used here total carried down, yeah, carried forward. हम DB use कर सकते हैं, but हम F use करते हैं because it is a journal. When we prepare ledger, we use here D. So now total carried forward. और इसका हम टोटल कर लेंगे बेटा 50, 30, 80, 1,20,000, 2,00,000, 2,30,000. और इसके पहले एक ट्रांजेक्शन है ना कैपिटल अकाउंट वाला, है ना बेटा. तो ये 2,30,000 और वो वाला 1,00,000, मिला के कितना होगा 3,30,000. 3,30,000 हो गया. अब बेटा जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे यहां पर, तो वहां पर रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या पुट करेंगे बेटा, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. ये राइट करके 3,30,000 हम पुट करेंगे और तब उसके नीचे से हम अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. इन दिस लेक्चर वी स्टॉप्ड हियर बिकॉज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.